Hello guys, hello everyone, welcome you all on the Unacademy Studios Placebo platform. Myself, Harshit Jhalani, I am your mentor here. And this is the important information I want to share with you all guys, that that we are going to launch a board cum foundation crash course, jiski importance main already aap sabhi ko samjha chuka hoon, bata chuka hoon, that how much it is important for you all to have an excel in your performance or extra edge keh sakte hain apan us cheez ko. आपकी परफॉर्मेंस और कितनी अच्छी हो सकती है, कितना अच्छा आप और इम्प्रूव कर सकते हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं. सो यू कैन प्लीज कम एंड रजिस्टर दिस सो दैट यू इट विल बी हेल्पफुल फॉर टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस एज वेल एज मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है अपने पास मार्क्स को. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू गाइज, आपको करना क्या है इसी चीज के लिए, आपको करना यह है बच्चों कि आपको आना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए. इंस्टॉल करने के बाद गो टू प्लान्स, दे विल बी प्लान्स अवेलेबल फॉर यू. देन व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड एचए लाइव, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के बाद नाउ द कोर्स फी विल रिड्यूस. And these are the different plan that will cost you for 3 months plan that will cost you 7875 12600, and this is for 1 year plan that will cost you 15750 and 25200. And if you are going to use my code, aapko HLI apply karte hi aapko 10% discount mil jayega. So coming back to the topic, this is an important topic for your all chemical reactions, because this is the first topic which is available for you all in the this entire class 10 syllabus. Pehla chapter yahi hai chemical reactions. Aur sabse important cheez hai chemical reactions ko samajhne ke sath sath inki kitne types ki, kitne different types ki chemical reactions aap dekh sakte hain bachcho, hai na, kitne different types ki chemical reactions hoti hai ya aap samajh sakte hain. So jaise ki agar main aapko baat bataun different types of chemical reaction hai kya aapka, ek tarike se conversion hai. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स कुछ मिलते हैं रिएक्टेंट्स, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिएक्टेंट्स मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में. रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में. रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर. ठीक है, सो इस कन्वर्जन में जो कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट्स का किस में, प्रोडक्ट्स में. सो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में क्या होता है, जो पुराने स्पीशीज होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, केमिकल बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों, ओल्ड बॉन्ड्स गेट ब्रेक डाउन, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. एंड यहाँ प्रोडक्ट्स की फॉर्म, प्रोडक्ट्स कब बनेंगे, जब न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए, जब न्यू बॉन्ड क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए. व्हेन देन दीज न्यू ओल्ड एंड न्यू कन्वर्जन विल टेक्स प्लेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी हैव क्लासिफाइड द रिएक्शंस इनटू फोर टाइप, जो अपने को पढ़नी है बच्चों अच्छे से. ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. क्या बोलते हैं बच्चों इनको, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अपन एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अपन देखने वाले हैं बच्चों इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन के बाद कौन सा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपन पढ़ने वाले गाइस. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन अबाउट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, योर मोर फेमस रिएक्शन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अपन समझेंगे क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाउ दे टुक प्लेस. ठीक है, एंड देन लास्ट एंड फाइनल दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस. ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे एक एक करके. इनको चारों को पढ़ने वाले हैं अपन इस सेशन में और अगले सेशन में भी, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द ब्रीफ ओवर यू अबाउट द वॉट वी आर गोइंग टू हैव फॉर यू इन द सेशन फॉर वॉट इन प्लस प्लेटफॉर्म, जो हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं उस पर हम और क्या क्या आपको बताने वाले हैं और कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या मटेरियल देने वाले हैं. एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू इन दिस, भाई किस तरीके से एज अ इसको सैंपल लेके चलिए आप लोग. ठीक है, सो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस. वहाँ पे और भी आपको, बिकॉज यूट्यूब यू नो दैट सर्टेन लिमिटेशन, यूट्यूब हैव
सर्टेन लिमिटेशन. सो वहां पर आपको एक परफेक्ट ओवरव्यू मिल जाएगा और बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा विद योर फैकल्टीज जिससे आप पढ़ने वाले हैं, सो दैट एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर बाय योरसेल्फ. ठीक है गाइस. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब जैसे कि पहला रिएक्शन की अगर अब मैं बात करूँ, फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस, दैट इज नोन एज योर सबसे मस्त रिएक्शन. मैं कहूंगा इसको सबसे बढ़िया रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मिलान होना, कॉम्बिनेशन होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. होता क्या है भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब, देखिए ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो ध्यान से. सबसे पहले ध्यान से पॉइंट्स देखते जाओ, है ना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस रिएक्शन. टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और, ध्यान से सुनना, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, टू और मोर, टू से ज्यादा भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी हो जितने डालो, ठीक है. टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, टू और मोर रिएक्टेंट्स एंड कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, टू कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, सिंगल प्रोडक्ट. ध्यान दें इस लाइन को बच्चों, आप लोग इस लाइक को ध्यान दें, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं. ऑलवेज अ सिंगल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, दैट इज द क्वालिटी ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस प्रोडक्ट हमेशा कितने बनने वाले हैं, एक ही बनने वाला है. सिंगल प्रोडक्ट ऑलवेज बी देयर. ठीक है ओके. सो दिस इज द मेजर मींस मेजर खासियत, यू कैन से मेजर खासियत ऑफ व्हाट, योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड जनरली सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों मैं लिखने वाला हूं आप लोगों के लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली जस्ट अ सेकंड गाइस. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, है ना, थोड़ा सा ये एक मिनट में पेन वही ले लेता हूँ. जनरली ध्यान से दीजिएगा, है ना, जनरली ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. कमेंट करिए, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बताइए, सोचिए. जनरली ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ विच नेचर गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गाइस. ठीक है, अब जैसे इसका एक जनरल स्केलेटन अगर मैं तैयार करूं आप लोगों के लिए, स्केलेटन अगर लाऊं, सो जैसे कि मेरे पास ए प्लस बी है, सो दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, अ सिंगल प्रोडक्ट. ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनने मिलने वाला है, चाहे रिएक्टेंट कितने ही हो हमेशा वो सब में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना. और इस पॉइंट को ध्यान से दीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा बच्चों, दीज ऑल रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. इस पे मैं बार बार जोर इसलिए डाल रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए इसलिए मैं डाल रहा हूँ इस पे जोर, बिकॉज एनर्जी इज रिलीजिंग फ्रॉम द सिस्टम. यू शुड नो दैट, यू ऑलवेज नो दैट, दैट अगर केमिकल रिएक्शन हुई है कहीं पे, अगर इफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो देयर विल बी टू केसेस, आइदर और हीट विल रिलीज, आइदर हीट विल एब्जॉर्ब और हीट विल रिलीज फ्रॉम द सिस्टम. या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, कुछ ना कुछ होने वाला है अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो. अगर ये हुआ तो केमिकल रिएक्शन किस कैटेगरी में फॉल होगी, हीट एब्जॉर्ब हुई तो मतलब इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट रिलीज हुई गाइस, सो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टूड माय पॉइंट वेरी वेल क्लियरली.
दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कितने ही लिया हो, कितने ही रिएक्टेंट्स लिया हो, वो सब मिलके कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सब मिलके कितने प्रोडक्ट बनाने वाले, एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, कितने प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बताइए, सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, सोचिएगा। फॉर्मेशन ऑफ, सबसे मस्त सिंपल सा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बताइए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या इसका एग्जांपल है, आपको लगता है क्या वो इसकी कैटेगरी में आएगा? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सोचिए एक बार, कहीं आपने अमोनिया की रिएक्शन बहुत बार देखी होगी, ठीक है। होता क्या है अमोनिया में, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गोइंग टू गिव यू वॉट, 2NH3 गैस, यस और नो, अंडरस्टूड माई पॉइंट। यहाँ पे वही, देयर आर टू और मोर देन, मतलब दो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन ऑन टू व्हाट, सिंगल प्रोडक्ट। तो अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में, एक और अगर इंफॉर्मेशन मैं पूछूं आपसे कि हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, जनरली इन ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे मैंने जस्ट आपको अभी समझाया है, तो हीट विल बी रिलीजिंग फ्रॉम द सिस्टम। हीट प्लस हीट मीन्स हीट रिलीज हो रही है, मीन्स दिस रिएक्शन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गाइस। किस कैटेगरी में? दिस इज ऑल्सो नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, जस्ट अ सेकंड, इरेजर आ गया। बी एग्जाम्पल, जैसे पहला मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इन दिस कैटेगरी, क्या कंबस्शन रिएक्शन, क्या कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इस कैटेगरी में आएगा? सोचो एक बार, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे मैं अगर CH4, अगर आप बोलो कि CH4 गैस है सर, मेरे पास CH4 गैस है, ठीक है, कंबस्शन ऑफ, देख लेते हैं अगर होता है या नहीं होता, देखते हैं, आई डोंट नो, देखते हैं कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, देख लो। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लिया मैंने, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन लिया, जैसे मैंने लिया CH4 गैस ले लिया, ठीक है, CH4 गैस ले लिया प्लस इसके साथ ले लिया मैंने ऑक्सीजन गैस, 2O2 गैस, एंड इट विल गोइंग टू गिव यू CO2 गैस प्लस H2O, CO2 गैस प्लस 2H2O, ठीक है। क्या ये एग्जाम्पल आपको लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है? क्या दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू यू गाइस? सोचिए सोचिए। नहीं, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये नहीं है एग्जाम्पल, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, डेफिनेशन क्या है? सिंगल प्रोडक्ट ऑप्टेन नहीं हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट ऑप्टेन नहीं हो रहा है, सो दिस विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आई बात समझ में सभी को? सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीके यही है, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, और भी आप एग्जांपल सोच सकते हैं, ले सकते हैं। सो सिंपल मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अब सेकंड टाइप के रिएक्शन पे बढ़ते हैं बच्चों, अपन सेकंड टाइप के रिएक्शन देख लेते हैं अब। सो सेकंड टाइप की रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। What is the meaning? नाम में ही पता चल रहा है डीकम्पोज होना, नाम में ही पता चल रहा है डीकम्पोज होना, नाम में ही पता चल रहा है क्या बच्चों, डीकम्पोज होना। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप समझेंगे, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स वॉट, इट इज द ब्रेकिंग, इट इज वॉट, इट इज द ब्रेकिंग, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन टू टू और मोर प्रोडक्ट, इंटू टू और मोर वॉट प्रोडक्ट, इंटू टू और मोर वॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो
कोई भी सब्सटेंस को ब्रेक करना। अब आपको पता है कि भाई सब्सटेंस बैठा कोई भी चीज जहां पे प्रेजेंट है वैसे तो टूटेगी नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, देन ओनली इट इज गोइंग टू ब्रेक। हाँ, कोई भी चीज रखी रखी थोड़ी टूट सकती है। हाँ, अगर ऐसा होने लगा तो आप तो जादू करने वाले हो, जादू हो गया है तो मैजिक हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ेगी तब जाके आपका कोई भी सब्सटेंस ब्रेक होगा, यस और नो। कोई भी सब्सटेंस क्या होगा उस कैटेगरी में? ब्रेक होगा। सो अगर आपको वहां पे कोई भी सब्सटेंस ब्रेक करना है तो उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ एनर्जी की क्या है? रिक्वायरमेंट है, यस और नो। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज ऑलवेज सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ऑलवेज सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ऑलवेज सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ऑलवेज सिंगल रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, हमेशा एक ही होगा रिएक्टेंट। अब आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें तो आपको ये समझ आना चाहिए, कमेंट में भी डाल देना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस रिएक्शन की इनवर्स है, किस रिएक्शन का उल्टा है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट इज द व्हाट, इट इज द व्हाट, इट इज द रिवर्स ऑफ योर, इट इज द रिवर्स ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट था, उसका जस्ट रिवर्स करोगे तो रिएक्टेंट एक होना मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। रिएक्टेंट एक होना मतलब क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है। सो अगर इसका बेसिक स्केलेटन में बताऊं आपको, एक सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट, और आपको कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको बच्चों एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म बी प्लस सी। जितने भी आपको जेड तक लिखना हो जेड तक लिखो, ठीक है, यू आर फ्री टू। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए में आपने कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करी और वो बी प्लस सी में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे कि अगर यहीं पे अगर अपन बात करें तो एनर्जी किस फॉर्म में, एनर्जी कौन सी एनर्जी? भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी सप्लाई करी, एनर्जी देखो यहाँ पे जो गाइस आप एनर्जी दे सकते हो वो तीन फॉर्म में दे सकते हो। कितनी फॉर्म में दे सकते हो गाइस? तीन फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हो जिससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सके। सो या तो आप एनर्जी दे सकते हो हीट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो आप। अलग अलग से लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और दिखता भी रहे। और दूसरा आप एनर्जी दे सकते हो किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में, हीट के बाद लाइट, और लाइट के बाद आप दे सकते हो एनर्जी किस फॉर्म में? हीट, लाइट एंड एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ, ये दिख भी नहीं रहा है ना, ये ऐसी कैसी एनर्जी दी है अपन ने जो दिखा भी नहीं, थोड़ा इसको लाइट कर देते हैं अपन। हाँ, ये ठीक रहेगा। और किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन फॉर्म में है। इन तीन फॉर्म में से अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अगर आप एनर्जी देंगे, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं अलग अलग रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो। उसी सब्सटेंस को, सिंगल सब्सटेंस को आप ब्रेक कर सकते हो इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय सब प्रोवाइडिंग एनर्जी इन दीज फॉर्म, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन दीज फॉर्म। सो एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको किस फॉर्म में कौन सी एनर्जी देके कौन सा एग्जाम्पल होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बतेरे एग्जाम्पल है, बतेरे, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ए टाइम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला पार्ट बता रहा हूं मैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब मैं अगर आपको एनर्जी दे रहा हूं, अगर मैं आपको एनर्जी दे रखा हूं बाय सप्लाइंग, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ बाय सप्लाइंग हीट, हीट से, एंड यू नो दैट हीट का सिंबल डेल्टा होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का एग्जाम्पल लिया मैंने। सो आपको पता होना चाहिए ये CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनाएगा, यस और नो? ठीक है। सिंगल सिंगल क्या है? सिंगल ही यहाँ पे क्या है? सिंगल ही आपका रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, और ये टू और मोर प्रोडक्ट्स में फॉर्म कर देगा। सिंगल रिएक्टेंट है और ये डिकम्पोज हुआ बाय सप्लाइंग व्हाट? हीट एनर्जी, यस और नो? हीट एनर्जी दी एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म कन्वर्ट इनटू CaO सॉलिड प्लस, मतलब जो भी डिकम्पोजिशन है हीट देने पे, हीट देने पे सब्सटेंस ब्रेक हो,
और सिंगल रिएक्टेंट ही है। जैसे सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3 सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे हीट दी, यहाँ पे भी अपन ने हीट सप्लाई करी और इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस, यस और नो, आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल कि भाई हीट दे सप्लाई करी और सब्सटेंस ब्रेक हो गया, हीट सप्लाई करी और सब्सटेंस ब्रेक हो गया, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस। सेकेंड थिंग अगर आप देखोगे, बी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर मैं बताऊं आपको लाइट के थ्रू, किसके थ्रू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं बाय मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब अगर सब्सटेंस को आप लाइट के थ्रू ब्रेक कर रहे हैं तो इसी रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन को आप बोल देते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, बिकॉज फोटो लाइट सप्लाई करी और देन योर सब्सटेंस इज गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊं आपको 2H2O2 को भी अगर HNO सप्लाई करोगे ना, तो 2H2O फॉर एग्जाम्पल इट इज कन्वर्टेड इंटू 2H2O plus O2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, आ रही है बात समझ में। वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस इज गोइंग टू रिलीज ऑन सप्लाइंग सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर कराओगे तो ये फॉर्म होगा। देखो हमेशा मैं रिएक्टेंट एक ही ले रहा हूँ और प्रोडक्ट उसका वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो एक से दो से ज्यादा में ब्रेक हो चुका है, आई बात समझ में, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं सी केस ले लूँ आपके लिए, सी केस में अगर मैं आपको ले लूँ, सी में अगर मैं बच्चों आपको एग्जांपल ले लूँ, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय व्हाट नाउ, इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने का है भैया, जो आप बचपन से पी रहे हो अभी भी पी रहे हो, वाटर, व्हाट वाटर, 2H2O लिक्विड, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी आपने इसमें से, अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू 2H2 गैस प्लस O2 गैस, इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यस और नो? आप सोचो, आपको पता है ना भाई वाटर को इसी तरीके से स्प्लिट करा जाता है, वाटर को इसी तरीके से स्प्लिट करा जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनी और ये आपका बना ऑक्सीजन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और ये क्या बना, ऑक्सीजन गैस बना। सो इसी तरीके से स्प्लिट होके ये होता है, ये बनता है भाई। रीजन क्या है कि वाटर इज थर्मली स्टेबल, यू नो दिस पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट, वाटर इज थर्मली स्टेबल, मतलब क्या क्या समझे इस पॉइंट से आप, मतलब अगर वाटर में आप सोचो कि मैं उसमें आग लगा के डिकम्पोज कर दूं, नहीं होगा, ठीक है, इट विल जस्ट थर्मली डिकम्पोज, मतलब अगर आप इसमें एनर्जी हीट भी सप्लाई करोगे ना, डेल्टा हीट, तो बस ये अपना क्या फेस चेंज करता है, इट इज ओनली गोइंग टू कन्वर्ट इट्स फेस, फेस चेंज हो जाएगा लिक्विड से गैस में, पर ब्रेकिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग नहीं होगी, ब्रेकिंग नहीं हुई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हुई, आई मेरी बात समझ में, अगर ब्रेकिंग नहीं हुई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हुई। सो बच्चों व्हाट वी हैव डन दिस टुडे कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग, तो एक सिंगल रिएक्टेंट को पकड़ना है, उसको ब्रेक करना है, सो आपको फेमिलियर कंडीशंस इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, कौन कौन सी फेमिलियर कंडीशंस हैं उनमें वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो जैसे कि मैंने फेमिलियर कंडीशन में बोली कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दी, ठीक है, जैसे वाटर में अगर हीट भी करोगे या सनलाइट के भी सामने रखोगे तो वो कुछ नहीं करने वाला, डिकम्पोज, बस वो फेस चेंज कर लेगा ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारी खुशी के लिए, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, इन प्रेजेंस ऑफ कुछ सब्सटेंस होते हैं कि भाई हीट की प्रेजेंस में ही होंगे, ठीक है, कुछ सब्सटेंस होंगे कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे डिकम्पोज, कुछ सब्सटेंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि ये वाटर है कुछ, सो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस और नो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेजर डिफरेंस है क्या,
और अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं इस रिएक्शन में यहाँ पे जाऊं, सो डीकम्पोजिशन जैसे हीट सप्लाई करी, सो डीकम्पोजिशन हीट सप्लाई करूंगा, मतलब ये किस कैटेगरी में आएगी? सो इट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर देखोगे तो इट इज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन गाइस, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ये एक, यस और नो? बिकॉज एक्सोथर्मिक कौन सी थी? कॉम्बिनेशन जहां पे एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, दो से क्योंकि कॉम्बिनेशन आर जनरली एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही थी वहां पे, बट एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन आर वॉट एंडोथर्मिक, आपने कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करी है तब जाके सब्सटेंस ब्रेक हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों? सो दैट इज द थिंग. सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छे से अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है उनके एग्जांपल्स देखेंगे, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्योंकि मैं दो दो तक करके बिकॉज कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एक साथ समझ आ जाएगी. अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? सो वो भी आपको एक बार में अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या मतलब होता है, ठीक है? सो आई होप आपको काम क्या करना है, जब तक आपको बस एनसीईआरटी का रीड लगाना है तो आपको बहुत फील गुड होगा, ठीक है? ये लेक्चर के बाद आप जैसे ही जस्ट एनसीईआरटी रीड गो थ्रू करेंगे, और इफ यू आर गुड, इफ यू आर आपको अच्छा लगा ये सेशन और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज यूज माय कोड HLive एंड कम एंड ज्वाइन द क्रैश कोर्स फॉर बोर्ड, एंड वी विल मीट यू आउट देयर, और आपको हर एक चीज मिलेगी वहां पर, ठीक है गाइस? सो अपनी अटेंडेंस लगाइए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एज मच एज पॉसिबल. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड. बाय बाय, थैंक यू.